नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। खबर बहराइच जिले से, जहां पर गहमा गहमी के बीच चफरिया में संपन्न हुआ कोटा चुनाव। भारी पुलिस बल के बीच कार्डधारकों ने दिया अपने कोटेदार को समर्थन। ग्रामीण विकास अधिकारी विजय शर्मा और ग्राम प्रधान अध्यक्ष अजीज अहमद भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि बहराइच के मेपुरा विकास खंड के मेपुरवा के सुजौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चफरिया में आज कोटे का चयन किया गया। चफरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में कोटे के चयन को लेकर कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे कोटे के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। 2 प्रत्याशियों के भारी प्रशंसक इस दौरान मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी विजय शर्मा और सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद गौड़ व ग्राम प्रधान अध्यक्ष अजीज अहमद के नेतृत्व में कोटेदार पद के लिए समर्थकों की गिनती की गई, जिस दौरान 433 कार्डधारकों ने दुर्गेश कुमार को अपना समर्थन दिया, जबकि 155 कार्डधारकों ने प्रत्याशी कौशल किशोर का समर्थन किया। ज़्यादा समर्थकों के साथ दुर्गेश कुमार को नए कोटेदार के पद के लिए चयनित कर लिया गया। भारी पुलिस बल में सुजौली, मूर्तिहा, मोतीपुर, नवाबगंज आदि थानों की पुलिस तैनात रही। खान, इस वक्त मौजूद हूं बहराइच जनपद के मिहपुरवा विकास खंड में, और जो लगातार कोटे का चयन के लिए पूरे प्रदेश में एक प्रक्रिया चल रही है और हाथ उठा के गिनती कराई जाती है कोटे की, उसके बाद ही यहां पे चुनाव के तौर पे ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं और खंड विकास अधिकारी के निर्देशन में ग्राम विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, चुनाव कराया जाता है। हाँ, जो आज खबर दिखा रहे हैं ये चफरिया ग्राम पंचायत की है, जो यहाँ पर काफ़ी जो 2 बार यहाँ पर कोटे के जो कोटेदार थे उनके ऊपर 3/7 का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद मतलब जांच चल रही है। फिर कोटे जो ग्रामीण थे इनको काफ़ी कड़ी मशक्कत करना पड़ती थी, अपने राशन के लिए कहीं कारीकोट जाना पड़ता था, कहीं जंगल गुलरिया, इस तरीके से काफ़ी बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत करी गई अधिकारियों से, फिर जाकर के अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर डेट लगाई गई कोटे की। फिर जो डेट लगी, लगातार 3 बार डेटें कैंसिल होती रहीं और जो 4थी बार में संपन्न हो पाया है चफरिया का कोटा। जो दुर्गेश कुमार हैं उनको 433 मत मिले थे, हाथ उठा के कार्डधारकों ने समर्थक किया था, उसके बाद जब कार्डधारकों के समर्थन के बाद दूसरे उनके जो प्रतिबंधित थे उनकी गिनती करी गई, 153 कार्डधारकों ने उनका समर्थन किया हाथ उठा करके, तो तुरंत जो वहां पे आए थे सहायक विकास अधिकारी द्वारा नए कोटेदार के रूप में दुर्गेश कुमार को घोषित कर दिया गया है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो नानपारा के सर्किल के सीओ हैं उनकी कड़ी निर्देश पे मोतीपुर, मूर्तिहा, नानपारा कोतवाली, नवाबगंज, रुपैडिया आन, सुजौली थाने की फोर्स काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे लगाई गई थी, कि अंदेशा था कि मतलब इतने बड़े चुनाव में कहीं ना कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरे चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया। और आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, एक बड़ी कामयाबी मिली होगी इन अधिकारियों को, जो आज यहाँ पे चुनाव लगातार डेटें कैंसिल होती रहीं, कोई ना कोई बहाना आता रहा, लेकिन आज यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी विजय शर्मा, चफरिया के प्रधान अजीज अहमद के नेतृत्व में जो चुनाव की तैयारी की गई थी काफ़ी अच्छी और सराहनीय रही ग्रामीणों द्वारा बताया गया, और सब लोग इस कोटेदार के लिए, सभी ने नहीं लेकिन 433 लोगों ने कार्डधारकों ने समर्थन किया दुर्गेश का। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे अभी नए कोटेदारों का चयन होना बाकी है, तो इस तरीके से प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है कि जो एक कोटे के चुनाव में जब इतनी भारी संख्या में फोर्स की आवश्यकता पड़ रही तो आम चुनाव का क्या हाल होगा। और हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद गौड़, उनसे जानते हैं। चफरिया में जो कोटे का चुनाव हुआ है क्या है मामला? चफरिया का कोटा चुनाव, यहाँ जो है 2-3 बार कोटेदार निलंबित हुए, उनका कोटा ले लिया गया। यहाँ की जनता जो है बहुत काफ़ी परेशान थी और बार बार चुनाव का डेट दी जा रही थी। इस बार आज चुनाव प्रधान जी और पंचायत सेक्रेटरी और जो चुनाव के वहाँ से भेजे गए थे ब्लॉक से और तमाम फोर्स पुलिस स्टाफ शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें
दुर्गेश कुमार विजयी घोषित किए गए। आज यहाँ चफरिया में कोटे का चयन हुआ है, क्या रहा पूरा मामला? यहाँ कोटे का चुनाव हुआ है सर, इससे पहले 3 बार कैंसिल हो चुका है। हम लोग बहुत अधिकारियों के पास जा जाके हाथ पाँव जोड़े हैं कि जाके आज चुनाव हुआ है और दुर्गेश कुमार जीते हैं। 435 वोट उनको मिला था, विपक्ष पार्टी को 155 मिला था, टोटल उसने 364 वोट से जीता। अच्छे तरीके से सब निपट गया है। कितने जगह की फोर्स आई थी? सिजौली की थी, मोतीपुर की थी, नानपारा, सब जगह की फोर्स काफ़ी फोर्स थी और पूरी फोर्स ने मदद की, अच्छे से निपट गया। इतनी ज़्यादा फोर्स की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे कोई विरोध ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, इस वजह से साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की व्यवस्था की। चफरिया कोटे का चुनाव हुआ है, क्या मामला? चुनाव जो है करीब 3-4 कोटेदार इधर तरफ सस्पेंड हुए, उनसे उनका कोटा निलंबित हुआ, जिसके कारण सही ढंग से यहाँ वितरण नहीं हो पा रहा था और जनता को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आए दिन चुनाव की तिथि घोषणा होती थी लेकिन चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहा था। आज सभी लोग जो अधिकारीगण थे, जो प्रशासन था, सभी की मौजूदगी में आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें दुर्गेश कुमार गुप्ता विजयी घोषित हुए हैं। चफरिया के नए कोटेदार होंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।